नमस्कार दोस्तों, विवेक टी डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मेरे पास है आज यहाँ पर दो डिवाइस, एक है सैमसंग का गैलेक्सी A20s और दूसरा है वीवो का Y12। मैं करने वाला हूँ यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का फुल कंपैरिजन। और सबसे पहले बात करें अगर डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ आते हैं। साथ ही Y12 के राइट में पावर की, वॉल्यूम की, A20s में केवल पावर की है। टॉप पर A20s में नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिलता है जो कि Y12 में टॉप पर नहीं है। साथ ही बात करें अगर लेफ्ट की, तो लेफ्ट में दोनों फ़ोन की सिम ट्री मिल रही हैं। साथ ही A20s का वॉल्यूम की भी लेफ्ट में ही है। बात करें दोनों ही फ़ोन की बॉटम की, तो दोनों ही फ़ोन की बॉटम में चार्जिंग जैक, स्पीकर ग्रिल, माइक और ईयरफोन जैक मिल रहे हैं। लेकिन A20s में आपको मिलता है टाइप सी और Y12 में आपको मिलता है माइक्रो USB। साथ ही दोस्तों बात करें दोनों ही फ़ोन के बैक पैनल की, तो दोनों ही फ़ोन ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही रिफ्लेक्टेड बैक ग्लास टाइप डिज़ाइन दोनों में ही मिलती है। साथ ही दोनों ही फ़ोन के रियर पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है। और दोनों ही फ़ोन में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। जो तीसरा कैमरा दोनों ही फ़ोन में है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और एक मेन कैमरा एक डेप्थ सेंस के लिए। और बात करें दोनों ही फ़ोन के इंटरनल हार्डवेयर की, तो करते हैं दोनों ही फ़ोन को यहाँ पर बूट और देखते हैं क्या क्या इंटरनल हार्डवेयर आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा। ट्रिपल कैमरा दोनों ही फ़ोन में है और रैम वेरिएंट भी दोनों ही मेरे पास टाइम 3GB है। तो ये हो गए दोनों ही फ़ोन बूट। और आपको सबसे पहले बताता हूँ थिकनेस की, तो A20s की जो थिकनेस है वो है 8mm और Y12 की थिकनेस है 8.9mm, तो यानी कि थोड़ा सा मोटा आपको Y12 लगेगा। अब बात करें डिस्प्ले साइज़ की, तो A20s की जो डिस्प्ले है वो है 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले, वहीं Y12 में आपको मिलती है 6.35 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले। साथ ही बात करें दोनों ही फ़ोन के ब्राइटनेस लेवल की, तो दोनों ही फ़ोन का ब्राइटनेस लेवल फुल है और आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो Y12 की डिस्प्ले A20s से थोड़ा सा ज़्यादा आपको वाइट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी में यहाँ पर कोई भी डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही दोस्तों दोनों ही फ़ोन का डिस्प्ले पैटर्न सेम है, बॉर्डर ड्रॉप नॉच आपको मिलती है जिसको सैमसंग बोलता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, और वही सेम टाइप आपको मिल रहा है यहाँ पर वीवो के Y12 में। अब चलते हैं दोनों ही फ़ोन के इंटरनल हार्डवेयर के लिए, दोनों ही फ़ोन के अबाउट फ़ोन सेक्शन में, और देखते हैं यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बात करें UI की, तो फ्रंट टच OS पर वर्क करता है वीवो और सैमसंग वर्क करता है One UI पर। साथ ही दोनों ही फ़ोन यहाँ पर Android 9 Pie के साथ आते हैं। और अपग्रेड की बात करें, तो हो सकता है A20s में आपको Android 10 का भी अपग्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। साथ ही बात करें दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर की, तो A20s में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 जो कि वर्क करता है 14nm टेक्नोलॉजी पर, जबकि Y12 में जो प्रोसेसर है वो है हीलियो का P22, ये वर्क करता है 12nm टेक्नोलॉजी पर। तो नंबर के हिसाब से अगर बात करें तो Y12 का प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन के 450 की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। साथ ही A20s में आपको मिल रही है 4000mAh की बैटरी और Y12 में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी। तो बैटरी बैकअप का थोड़ा सा आपको इश्यू रह सकता है A20s में एज कम्पेयर टू Y12, लेकिन 4000mAh की बैटरी भी आपको अच्छा बैकअप देगी। साथ ही दोस्तों दोनों ही फ़ोन में सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक दोनों ही मिल रहे हैं, यानी कि दोनों ही फ़ोन में आप फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। और बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर चेक कराऊंगा और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। तो दोनों ही फ़ोन में फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक सेट हैं, अब परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं टैप कर रहा हूँ, और टैप करते ही यहाँ पर A20s ओपन हुआ, Y12 नहीं हुआ, हो सकता है फिंगर सही से नहीं लगी हो। और ये मैंने टैप किया और आपने देखा Y12 जल्दी अनलॉक हुआ एज़ कम्पेयर टू A20s। इस बार भी Y12 ही जल्दी अनलॉक हुआ और इस बार भी Y12 ही जल्दी अनलॉक हुआ यहाँ पर, यानी कि Y12 का फिंगरप्रिंट ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू A20s। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के फेस लॉक की, तो वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। और जैसे ये फेस डिटेक्ट कर रहा है, इस बार फर्स्ट टाइम में दोनों ही फ़ोन सेम टाइम में ओपन हुए, और ये आप देख सकते हैं Y12 जल्दी ओपन हो रहा है, यानी कि जल्दी अनलॉक हो रहा है एज़ कम्पेयर टू A20s। और चेक कर लेते हैं एक दो बार यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Y12 ही जल्दी अनलॉक हो रहा है एज़ कम्पेयर टू A20s। A20s थोड़ा सा लेट अनलॉक हो रहा है फेस लॉक में भी और फिंगरप्रिंट लॉक में भी। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के कैमरे की, दोनों ही फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन क्या क्या आपको मिल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में ट्रिपल कैमरा है, दोनों ही फ़ोन का जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, लेकिन अगर बात करें फोकल वैल्यू की, तो सैमसंग A20s में जो फोकल वैल्यू वो है 1.8, वहीं Y12 में आपको मिलती है 2.2, यानी कि लो लाइट में ज़्यादा अच्छे फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं A20s से
एज़ कम्पेयर टू बाई 12। साथ ही दोनों ही फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है 2.2 फोकल वैल्यू के साथ। वहीं ये फीचर्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सैमसंग में आप बैकग्राउंड की ब्लरनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कितनी आपको करनी है, लेकिन और कोई कंपनी ये ऑप्शन आपको नहीं देती है। साथ ही बाई 12 में आपको लाइव फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है जो कि A20s में नहीं है। साथ ही दोनों ही फ़ोन में HDR फिल्टर्स, ब्यूटी मोड दोनों ही अवेलेबल हैं। पेनारोमा मोड दोनों ही फ़ोन में आपको मिल रहा है और A20s में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पर भी आप पेनारोमा रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही दोनों ही फ़ोन में प्रो मोड है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट मोड आपको बाई 12 में मिल रहा है जिससे आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की पिक्चर लोगे वो एकदम क्लियर आएगी। ऐसा कोई मोड आपको A20s में देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही दोनों ही फ़ोन का वीडियो रिकॉर्डिंग मोड ये रहा और हम देखेंगे कितने रेजोल्यूशन पर आप दोनों ही फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको बाई 12 में मिल रहा है और वही फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको A20s में भी देखने के लिए मिल जाएगा। यानी फुल एचडी HD A20s में है, स्क्वायर मोड भी है यहाँ पर सबसे नीचे। और बात करें और फीचर्स की तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में आपको मिल रहा है, वहाँ कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही बात करें फ्रंट कैमरे की तो बाई 12 में जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का फोकल वैल्यू 2.2 के साथ में, और फीचर्स समथिंग वही हैं जो आपको रियर पर मिलते थे। ये यहाँ पर डेप्थ सेंस का ऑप्शन है, लाइव फ़ोटो का भी ऑप्शन है, फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट, ब्यूटी मोड, पेनारोमा शॉट, प्रो मोड काम करेगा रियर पर। साथ ही A20s में जो फ्रंट कैमरा है वो भी 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन उसकी फोकल वैल्यू 2.0, यानी कि यहाँ भी लो लाइट में आप ज़्यादा अच्छे फोटो कैप्चर कर सकते हैं A20s से। साथ ही ये वीडियो मोड है, और बात करें अगर रिकॉर्डिंग की तो यहाँ भी आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे A20s के फ्रंट कैमरे से भी। यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों ही फ़ोन में कैसा भी डिफरेंस कोई भी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही ये फ़ोटो मोड दोनों ही फ़ोन का, यहाँ पर आपको वाइड सेल्फी का ऑप्शन मिल रहा है, साथ ही फ्लैश का ऑप्शन, फिल्टर्स और ब्यूटी मोड्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। साथ ही लाइव फोकस शॉट यहाँ भी है और यहाँ भी आप अपनी बैकग्राउंड की ब्लरनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही फुल स्क्रीन का व्यू यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गई दोनों ही फ़ोन के कैमरे की बात। अब दोस्तों बात करें दोनों ही फ़ोन के प्रीलोडेड एप्लीकेशन की, तो काफ़ी सारे प्रीलोडेड एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में मिल रहे हैं, लेकिन वीवो में कुछ ज़्यादा प्रीलोडेड एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं। एक मेन जो है विडमेट वो आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा, फ़ोनपे आपको नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा, यूसी ब्राउज़र, क्लीन मास्टर, लाइक ये सब सैमसंग में आपको नहीं मिलेगा। शेयर चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, अमेजोन मिल जाएगा, डेली हंट मिल जाएगा। साथ ही बात करें प्राइस की तो A20s का 3GB 32GB वाला जो वेरियंट है उसका प्राइस है 11,990 रुपये, और 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 13,990 रुपये। जबकि वीवो वाई 12 में अभी फ़िलहाल मार्केट में एक ही वेरिएंट अवेलेबल है 3GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 9,490 रुपये, और मार्केट में हो सकता है आपको 100-200 रुपये डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पर 100-200 रुपये के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट के हैं, ऑनलाइन नहीं है, इसलिए इनका प्राइस भी फिक्स नहीं है। तो दोस्तों यही था हमारा सैमसंग A20s और वीवो के वाई 12 के बीच फुल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।